केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा करीब 12 करोड़ 34 लाख रुपए से निर्मित भीकमपुर उच्च स्तरीय पुल का भूमि पूजन समारोह पूर्वक किया गया। गौरतलब है कि इस पुल के बनने से नागदा से करीब 22 गांवों को जोड़ा जा सकेगा। 23,006 पंचायत हैं और हमारी 23,006 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता आज वहां पर पहुंचा है। मानवर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की 4 पंचायतों पर हैं। मानवर नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब भी विभिन्न पंचायतों में पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री भी मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। देश भर के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ मध्य प्रदेश के भी हमारे प्रमुख नेता किसी ना किसी पंचायत में पहुंचे। और आज इस नयन का सौभाग्य है कि मानवर थावरचंद जी गहलोत साहब आपकी पंचायत में आपके बीच चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं इस पर अपनी तरफ से बहुत ही हर्ष व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर्ष व्यक्त करते हुए, हमारे अपने इस क्षेत्र की आज कुछ पंचायतों में माननीय गहलोत साहब पहुंचने वाले हैं। हम सब अपनी अपनी पंचायतों की जहां जवाबदारी थी वहां पर पहुंचकर आप लोगों के बीच बातचीत करने के उपरांत आज यहां पर उपस्थित है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे। आपने इन्हें लगातार 14 सालों में इस प्रदेश की कायाकल्प होते हुए देखी है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में बैठी और आदरणीय शिवराज जी की सरकार ने जो काम करके दिखाया वो अपने आप में अद्वितीय है। पहले स्वीकृति होती थी, भूमि पूजन होता था, लेकिन काम वर्षों बाद वर्ष काम के लिए भी आंदोलन करना पड़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उल्टा होता है। काम की शुरुआत पहले होती है, उसके बाद भूमि पूजन और उसका कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अद्वितीय बात है। ये ऐसा एक ही जगह नहीं है कि आज नायन में मंत्री जी आ रहे हैं, अभी बरवाड़ा में भी पुलिया का वहां काम भी शुरू हो चुका है और वहां मगदनी में भी ये काम की शुरुआत होगी। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो आप परिवर्तन देख रहे हो, ये निश्चित एक दृढ़ निश्चित सरकार होगी जिसने संकल्प किया है कि हमने जो जो घोषणाएं की है और वो उनका वादा पूरा होना चाहिए। आदरणीय गहलोत जी का आपने देखा होगा, इनके विभाग के द्वारा जो विकलांगता के ऊपर आपने जो इस प्रदेश ही नहीं इस देश में एक अमिट छाप छोड़ी है कि जो वाकई जो मददगार लोग हैं उनका काम मोदी जी ने आपके जुम्मे दिया है और आपने एक नहीं तीन तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं देश में। मैं ऐसे आदरणीय मंत्री जी जिन्होंने इस खाचो क्षेत्र की कायाकल्प करने में आदरणीय विधायक जी ने आदरणीय शिवराज जी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है, नायन वासियों की और ठेठ बड़नगर तक के वासियों की। ये बहुत पुरानी मांग थी, बारिश ज्यादा होने पर यह आवागमन बंद होता था। आज नायन वासियों को और बड़नगर तक के वासियों को ये बहुत बड़ी सौगात हुई है और नागदा आने वाले दिनों में सीधा बड़ा चिरोला से लगा यहाँ तक सीधा जुड़ जाएगा। मैं पुनः आज के इस सौगात के लिए आदरणीय विधायक जी आदरणीय मंत्री जी को हृदय से सत अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद, जय भारत। इसी लक्ष्य को लेकर काम करते हुए अब मैं अधिवक्ता के रूप में असंगठित कामगार बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब को आमंत्रित करता हूँ। आप बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं, हिंदुस्तान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में शिवराज जी की सरकार, दोनों सरकारों ने मध्य प्रदेश ही नहीं देश का नक्शा बदलने का काम किया है। प्रत्येक नागरिक दूर दराज पीछे बैठा हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, शोषित पीड़ित दलित इन सब की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया है। आम नागरिकों के हित में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य से अलग हटकर ऐसे ऐसे कार्य जो कभी कल्पना भी नहीं हो सकती, इस सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार ने एक माता के पेट में 6 महीने का बच्चा आता है उससे लगाकर अंतिम समय तक के ऐसी सारी योजनाएं बनाई है और इन योजनाओं का लाभ आप सबको मिल रहा है।
आज निश्चित रूप से ये जो पुलिया का अभी भूमि पूजन हुआ है, लगभग 12.5 करोड़ की राशि से ये पुलिया बनेगा। और जैसा अभी माननीय लाल सिंह जी ने बताया, यहां से लगा करके बननगर तक सारे लोगों का आवागमन का एक सीधा मार्ग होगा। यहां से सीधी बसों का आवागमन होगा, ग्रामवासियों को तो निश्चित इसका लाभ होगा ही, संपूर्ण व्यवसायिक दृष्टि से भी हमारे आसपास के क्षेत्र के गांव के लोग, चाहे वो सब्जी हो, दूध हो या अन्य जो भी व्यवसायिक दृष्टि से जो उत्पादन करेंगे उसको तत्काल मार्केट में ले जाने का अवसर मिलेगा। इससे निश्चित रूप से उनका हित होगा। मैं आज के समय पर अधिक समय ले तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की और केंद्र की सरकार मिली, और उस सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय गहलोत साहब हमको केंद्र सरकार के मिले, आपके विधायक जी ने और अन्य यहाँ की ग्राम पंचायत सहित सभी जो हमारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने लगातार जनहित के कार्य किए हैं। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर हर पंचायत में कुछ न कुछ कार्यक्रम, जितने हमने निर्माण कार्य, जितने गांव के हित में काम किए, पंचायत के हित में काम किए, उन सब का स्मरण करना और आम नागरिकों तक इस बात को पहुंचाना कि ये सरकार जो कहती है वो करती है और करने के साथ साथ आगे और करने की इच्छा रखती है। इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये बात तक उनके परिजनों को लाभ देने का काम ऐसी सरकार, ऐसी भाजपा। अब मैं आमंत्रित करता हूं इन सारे विकास कामों में जिनकी महती भूमिका, जिनका अथक परिश्रम, जिनकी लगन, माता की, भारत माता की। हम सबके नेता, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी, माननीय लाल सिंह जी, माननीय डाक साहब, माननीय मांगीलाल जी, ईश्वर भैया, आदरणीय रघुवीर सिंह जी साहब, मोहन जी, भक्ति राम जी, आदरणीय बैरागे जी, लाल सिंह जी भाई साहब, हम सब के लोकप्रिय नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, धर्मेश जी, राजेश जी, आदरणीय माननीय गहलोत जी को कि इस पुलिये के लिए कोई बहुत दबाव मुझ पे नहीं था, न पार्टी पे था, लेकिन इन गांव में मेरा आना जाना खूब होता था, विशेष करके क्योंकि त्यागे जी महाराज मेरे गुरु हैं और इसलिए आश्रम में मेरी खूब आस्था है यहाँ पर। और मुझे लगता था, और एक बार तो यहाँ पर इस नदी में बरसात के समय में शायद जगदीश सिंह जी थे ना, सुल्तान सिंह जी साहब के छोटे भाई बह के चले गए थे और पास में एक बड़ा टेकरा, उस टेकरे पे फिर रात को शायद 2-3-4 बजे, रात को 2:30 बजे निकाला था। और ये स्थितियां कई बार इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं होती थी बरसात में। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रेसिन फैक्ट्री के अंदर बहुत लोग यहां पर काम करते हैं और उन लोगों को विशेषकर जनरल शिफ्ट में, तो मुझे लगता था कि इस सौगात को मुझे जनता को देना चाहिए। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी मैंने घोषणा कराई तो कई नाइन के मेरे आशीर्वाददाता और कार्यकर्ता कहते थे, भाई साहब ये घोषणा कभी मूर्त रूप लेगी क्या? और मैं कहता था, माननीय मुख्यमंत्री जी शायद हिंदुस्तान के ऐसे बिरले मुख्यमंत्री जी हैं कि जिनके विभाग में फॉलो अप होता, घोषणाओं का रिव्यू बैठके होती है। और आज 12.26 करोड़ रुपए का इस पुलिये का भूमि पूजन का भी हो गया और काम भी प्रारंभ हो गया, और मुझे लगता है कि बरसात के पहले कुछ काम ऊपर दिखने भी लगेगा। और लगभग मैं मानता हूं कि इस 4 साल के अंदर, 70 साल के इस आजादी के बाद 50 साल का कांग्रेस के मित्रों का राज रहा, चामुंडा माता की ब्रिज को देखो या नागदा के 2 ब्रिज को देखो, 70 साल में केवल 3 पुलिया हमें मिली और इस 4 साल के अंदर हमें 10 पुलिया मिली। और लगभग 150 करोड़ रुपए हम केवल पुलियों पे खर्च करेंगे, जिसमें चंबल नदी पर हम 3 बड़े पुल बनाएंगे, पिपलोदा बागला से मकदनी, नायन से नागदा और एक मोकड़ी से राजगढ़, 3 बड़ी पुलिया हम चंबल पे बनाएंगे। और रेलवे के सारे पुल बना देंगे, नागदा में 22 करोड़ का पुल बनेगा, उमरना में पुल बनेगा और खाचरोद में जो जावरा रोड है वहां पर पुल बनेगा। और तो और अभी हमने पीछे चंबल और चामला पे 2 पुल और बना चुके हैं, जो हमारी बड़े चिरोला से उन्हेल रोड जाती है उस पे हम 2 पुल बड़े और बना चुके हैं। और आज माननीय गहलोत जी बागेड़ी नदी पर भी 3.5 करोड़ की लागत से
जो हमारी इमली से पतलासी बुरानाबाद रोड मिलेगी उस पर एक बागेड़ी पे 3.5 करोड़ की पुल का आज भूमि पूजन और करेंगे। ऐसे लगभग 10 पुलिया हम मात्र 4 साल के अंदर, और अभी तो 2 प्रस्ताव और गए हैं। एक उचाईडे की बड़ी पुलिया बनेगी और एक पुलिया बागेड़ी नदी पर जो बागेड़ी गांव को जोड़ती छोटा रपटा बनाता वहां एक बड़ी पुलिया और बनेगी। अगर उनको भी मैं मिला दूं तो 12 पुलिया माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मोदी जी और माननीय गहलोत जी, इन सब के आशीर्वाद से हमें मिली है। और इसलिए, और अभी जैसे मुझे माननीय सरपंच साहब ने जो पत्र दिया उसमें लगभग अगर मैं इनकी पंचायत का हिसाब लगाऊं तो 2 करोड़ 16 लाख के काम पंचायत में चल रहे हैं, और ये भी इस पंचायत का हिस्सा है, तो लगभग 14 करोड़ रुपया एक पंचायत में काम होना बड़ी बात है। खैर अब बाद में करेंगे, एक बार और वहां जनता के बीच में जाएंगे, तो इनका आज नहीं, जब उसका टेंडर वगैरह हो जाए। उस गांव में भिकमपुर जैसे गांव के अंदर, और मैं तो कई बार मजाक में कहता हूं कि भिकमपुर में जब भी जाता था तो मेरी जो घर वाली है वो जरूर पूछती थी, क्या भिकमपुर से आ रहे हो? तो मैं कहता था, भाग्यवान तुझे कैसे पता लगा? बोलिए, नीचे से जो मोरी खराब हुई ना उससे ऐसा लगता है कि तुम भिकमपुर जाके आओ। वहां की एक भी रोड ऐसी नहीं थी भिकमपुर की, किसी भी दिशा से चले जाओ भाई साहब, पूरे गांव में साम्राज्य था। और आज लगभग हमने 80% उस गांव को विकसित गांव कर दिया, विकसित गांव 80% उसको। माननीय गुलाब सिंह जी यहां पर बैठे, जब माननीय गहलोत जी के आशीर्वाद से हमने दमोदर रोड का भूमि पूजन करा था, लोगों को विश्वास नहीं होता था। और एक पुलिया तो मैं आपकी भूल ही गया हूँ, वो पुलिया भी अगर गिन ले तो 13 पुलिया हो जाए। इसी और भी अगर मैं निकालूंगा, अभी एक ब्राह्मण खेड़ी से जो हमने रोड बनाई है, ब्राह्मण खेड़ी में जो डैम बनाया उसके कारण वहां का रास्ता बंद हो गया, तो वहां के भी अधिकारियों ने ब्राह्मण खेड़ी वाली पुलिया का भी सर्वे करा है। ऐसे कितने सारे काम माननीय गहलोत जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और मैं आपको ये कहूंगा कि इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने काम की दृष्टि से, इतिहास कोई मान नहीं सकता था। बोरदिया के बेटे मेरे कुछ मित्र ये कई बार हंसते थे, कहते थे बोरदिया से रिंगनिया रोड वैसा मंजूर होगी क्या? मैं नायन के मित्रों को भी कहूंगा, आपकी बहुत जल्दी इमली से नायन तक की भी रोड हम इसी साल मंजूर कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंदर है जो 1 करोड़ से कम की सड़क है। इस बजट में ये जो सप्लीमेंट्री बजट आएगा, उस सप्लीमेंट्री बजट में अगर भगवान ने मेरा साथ दिया तो मैं उसको मंजूर करा दूंगा। और अगले टर्न ईयर में 2018 हमारा है, अगले टर्न ईयर में माननीय शिवराज सिंह जी से पूरी कोशिश करूंगा कि नायन को कहां से जोड़ दू? टुमड़ी से जोड़ दू, ताकि आपकी खेत में सोयाबीन जाने के लिए अच्छा हो। ये किसी को अभी वैसे लगभग इस विधानसभा में 12 छोटी छोटी सड़कें मंजूर हुई है, जो जैसे आदरणीय मांगीलाल जी पाटीदार बेटे कभी सोच नहीं सकते थे कि कुमारवाड़ी चिरोला से जुड़ेगा, कभी कोई सोच नहीं सकता था चिरोला मड़ौदा से जुड़ेगा। अभी एक लुसड़ावन से जो आपने भूमि पूजन करा है, लुसड़ावन से सीधे हम नायन को जोड़ देंगे, बोरदिया से हम रिंगनिया को जोड़ देंगे। हमने अभी माननीय लाल सिंह जी बंजारी है, बंजारी को हमने, बंजारी हमारी चौपाटी बन गई, बंजारी से हमने मीण को भी जोड़ दिया, श्रीवच को मीण से जोड़ दिया, बंजारी को हम बटलावदी से जोड़ देंगे। ये छोटी छोटी जो सड़कें थी जिनको लोगों को कई दूर तक जाना पड़ता था, मोहन दादा बेटे खड़े हो तो मोहन दादा एक बार, वैसे अभी ये जनसंघ के कार्यकर्ता है। और राजपुर रायती ऐसा गांव था जिस राजपुर रायती के चारों दिशाओं में कहीं सड़क नहीं थी, और आज आप सबके मुख्यमंत्री के कारण वो चौपाटी बन गया, लुनेरा से भी जुड़ गया, बर्थुन से भी जुड़ गया, आने वाले समय कंठाना से भी जुड़ेगा। आप सोचो कितना काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं। माननीय जब लाल सिंह जी राणावत विधायक थे उस वक्त आपने झिरमिरा में तालाब बनाया था, माननीय जटिया जी ने बनवाड़ा के अंदर तालाब बनाया था, माननीय जटिया जी ने लोहचितारा में डैम बनाया था। इस 70 साल की आजादी में 3 चीजें बनी, तीनों चीजें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, और अब 10 चीजें बनी वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। अब तुमने 50 साल में करा क्या बताओ? सही, सिंचाई के लिए हमारा बाचाखेड़ी में काम चल रहा,
हमने राजगढ़ में डैम बना दिया, हमने नाथूखेड़ी में माननीय गहलोत साहब के आशीर्वाद से जितेंद्र जी जब विधायक है वहां पे बना दिया, हमने गोठरा माता जी के नीचे बना दिया, गोठरा माता जी के ऊपर बना दिया, ब्राह्मण खेड़ी में बना दिया हमने, और तो और नदी तो नदी हमने नालों के ऊपर सिरवच के ऊपर डैम बना दिया, आज हम बीकमपुर के ऊपर डैम बना रहे, पारसोतिया में डैम मंजूर होने वाला, उसके बाद बागेड़ी में डैम मंजूर होगा। कितनी सारी सौगातें इस विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, हमने दोनों अस्पताल बना दिए, हमने खचरोद में एक वादा करा था बाईपास का, हमने दो दो बाईपास दे दिया, आज नागदा के अंदर माननीय अशोक जी के नेतृत्व में हम स्विमिंग पूल देंगे, बस स्टैंड देंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देंगे, 22 करोड़ के आपके योजना से नागदा में जलावर्धन योजना होगी, खचरोद में 22 करोड़ की योजना होगी, 22 करोड़ की योजना यहां से 22 गांव को जा रही है, नायन में 1 करोड़ रुपए का हमने जल नल योजना दे दी, और इससे बहुत सारे विकास के जितने काम गिनाओ, जितने काम, और मुझे मजा आई है, सेदरी का हमारा श्यामलाल मालवी बैठा, हमारा पूर्व सरपंच है, ये सोचते थे भाई साहब कि कभी बड़ौदा से सेदरी जुड़ेगा क्या, 25 गांव के लोगों को बड़ौदा से हमने सेदरी जोड़ दिया, कोई विश्वास ही नहीं करता था, और अभी तो और मजा आएगा श्यामलाल जब मैं केसरिया को लेकुड़िया से जोड़ दूंगा और बागेड़ी को बड़े गांव से जोड़ दूंगा, ये सब रोड़े मेरे दिमाग के अंदर है जो मुझे काम करना है। और मित्रों मैं एक चीज हमेशा आपको कह रहा हूं कि ये आपकी मेहरबानी से हो रहा, आपके आशीर्वाद से हो रहा, आपकी कृपा से हो रहा, और इसलिए हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया था कि विकास की नई इबादत इस विधानसभा के अंदर लिखेंगे, और इसलिए केवल मैंने विधानसभा की बात आप सबके सामने रखी है, सारे कार्यकर्ता अभी पारसूतिया और भीकमपुर तक मेरे साथ चलेंगे, और फिर आज ग्रामीण के कार्यकर्ता नागदा के भी विकास को जरूर मैं चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि नागदा के विकास को भी आप देखो कि वहां के जर्रे जर्रे के विकास पे नाम लिखा है तो भारतीय जनता पार्टी लिखा। कार्यकर्ताओं कभी सोचता हूं सड़क दी भाजपा ने, बिजली दी भाजपा ने, पानी की व्यवस्था की भारतीय जनता पार्टी ने, शिक्षा की व्यवस्था की भारतीय जनता पार्टी ने, चिकित्सा की व्यवस्था की भारतीय जनता पार्टी ने, बीमार को उपचार की व्यवस्था की भारतीय जनता पार्टी ने, छात्रों को मेघावी छात्र का योजना दी भारतीय जनता पार्टी ने, मरने के बाद बीमे की व्यवस्था की भारतीय जनता पार्टी ने, असंगठित क्षेत्रों में तमाम तरह की सुविधाएं दी भारतीय जनता पार्टी ने, तो इनने 50 साल में किया क्या, सोचना तो पड़ता ना। अब मैं जिस शख्सियत को आमंत्रित करता हूं, नागदा में कार्यक्रम है, 4:45 बज रही है, इसके बाद पारसूतिया में है और बीकमपुर में भी है, बता मुझे कितनी देर बोलना चाहिए। मंच की ओर बैठे हुए जो मांग नायन वाले, टूमने वाले और इधर के बहुत सारे लोग बीकमपुर वाले और ये करते रहते थे, उस मांग को
अपने लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत साहब ने मंजूर कराया और उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे ये पुलिया बन रही है, पुलिया नहीं, 12 करोड़ 24-25 लाख की तो पुल ही होते हैं। पुलिया तो बगल में बनी हुई है जिसके कारण बरसात में रास्ता रुक जाता था। मैं स्कूल के समय में जब पढ़ता लिखता था तो तैरने का बहुत शौक था, तो हम 5-7 मित्र लोग यहाँ हमेशा तैरने आते थे। तैरने आते थे तो इस किनारे से उस किनारे तक होड़ लगती थी, 4-5 बार आना और जाना। एक बार एक कहीं से लाश आई होगी, हमको पता नहीं, हम तैरने में अपने मस्त, और जब थोड़ा सा पाले के पास आए तो वो ओंधा पड़ा हुआ था लाश। हमने देखा कि पुलिस वाले आ रहे हैं तो हम डरे, छात्र तो थे, कि पुलिस वाले घेरेंगे और पूछेंगे कि क्या है। तो हम जल्दी जल्दी से बाहर निकले और चलने लगे तो इतने में बुला लिया पुलिस वाले ने, इधर आओ इधर आओ, ये लाश देखी तुमने? तो हमने कहा हाँ हमने देखी है। तुमको तैरना आता है? तो बोले हाँ। तो कहाँ से आई, क्या आई? तो हमने कहा हमको क्या पता, ये यहाँ है, चलो बोले इसको निकालो। अब उसको निकालना था, उसके बाद से तैरने आना जाने का काम थोड़ा कम हो गया था। फिर वो हनुमान जी का मंदिर है ना, जहाँ अभी डैम बना है, वहाँ जाया करते थे अखाड़े में और उसमें। तो उस समय से जब भी हम नायन और इधर उधर जाते थे पार्टी के काम से, इसकी मांग थी और वो मांग पूरी हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बरसात के बाद अगली बरसात में आपका कोई रास्ता नहीं रुकेगा और इसके ऊपर होकर आराम से आना जाना होगा। अब ये सब काम हो रहे हैं आपके सद्भावनाओं से, आपके आशीर्वाद से। मैं योजनाओं की जानकारी और ये और वो अगर दूंगा तो शायद 4-5 घंटे लग जाए, उसके बाद भी भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी पूरी नहीं होगी। पर योजनाओं का नमूना एमएलए साहब ने आपके सामने प्रस्तुत किया। धारा प्रवाह, इतनी सारी समस्याएं हल की, इसका वर्णन इन्होंने किया। और धारा प्रवाह बिना रुके इतना सब बता देना, यह अपने आप में सिद्ध करता है कि इन्होंने इन कामों को मंजूर कराने के लिए खूब मेहनत की होगी, खूब अध्ययन किया होगा, तभी इतना सब याद है। और ऐसा अच्छा कर्तव्यनिष्ठ और कठोर परिश्रमी जनप्रतिनिधि विधायक अपने को मिले। अब देश की आज़ादी के बाद विकास तो हुए, हम ये नहीं कहते कि नहीं हुए, पर विकास की गति बहुत धीमे थी, बहुत धीमे थी। और अगर ये कहे कि उस समय की सरकारें अधिकारियों के इशारे पर काम करती थी तो भी गलत नहीं है। और इसका उदाहरण है, देश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने, और पटवाजी उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे, केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री थे। नितिन गडकरी जी जो आजकल सड़क परिवहन मंत्री है, वो महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे और इस प्रकार के काम कराने में वो बहुत एक्सपर्ट थे। पटवाजी ने नितिन गडकरी जी को बुलाया और ये कहा कि मेरी इच्छा है शहर में सड़क बनती है, गांव में भी बने। तो योजना बनी और पटवाजी ने अटल जी को वो सारी योजना बताई, अटल जी राजी हो गए, क्योंकि अटल जी और पटवाजी दोनों जनसंघ के समय से साथ के नेता, सीनियर नेता रहे। अब अटल जी भी ग्वालियर से संबंधित थे, बड़नगर में पढ़े थे, और पटवाजी भी अपने मंदसौर जिले नीमच जिले के, तो दोनों की अच्छी, उन्होंने कहा तो अटल जी के गले उतर गई। अधिकारियों के साथ बिठाया, अधिकारी कहने लगे नहीं लगा रहा हूं, ये सड़क जो है ये विषय राज्यों का है, राज्य सरकार का काम है। अरे बोले क्या होता है राज्य सरकार और भारत सरकार, सड़क गांव में भी जाना चाहिए, हम कह रहे हैं ये योजना आप मंजूर करो। तो अधिकारियों की विपरीत इच्छा के अटल जी ने आदेश दिया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस समय से प्रारंभ हुई।
आज देश भर में कहीं भी चले जाओ तो कहते हैं, हम लोग पूछते हैं कि भाई देश की आजादी के बाद ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ है जिन्होंने गांवों को सड़कों से जोड़ा, तो हर कोई एक आवाज में नाम लेता है अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये काम पहले भी हो सकते थे। हम कहते हैं कि अच्छा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना और ब्याज कम लगे इस प्रकार की योजना किसने बनाई, तो सब कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको मालूम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना उस समय उन्होंने बनाई और उसके साथ ये उपाय किया कि किसान ऋण लेता है तो ब्याज ज्यादा लगता है, वो ऋण चुकाना ही नहीं पाता है, वो ब्याज ही चुकाते चुकाते परेशान हो जाते हैं, तो ब्याज की दरें कम करो। तो जो 16% 18% लगता था उन्होंने 7.5-8% किया था और राज्य सरकारों को पत्र लिखा था कि कॉपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक से आप ऋण देते हैं किसानों को 16% और 18% ब्याज लेते हैं, इसको कम करो 7.5% और 8% करो। उस समय जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी या दूसरी सरकारें थी उन्होंने ब्याज कम नहीं किया, अगर ब्याज कम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां थी वहां हुआ 5 राज्यों में, और उसमें भी ऐतिहासिक निर्णय किया तो शिवराज सिंह जी चौहान ने, पहले 7% 14-16 से 7% फिर 5 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। अब 3 साल से 0% बिना ब्याज के ऋण और बिना ब्याज के साथ साथ 10% की सब्सिडी, 1,00,000 रुपए ले बिना ब्याज के 90,000 जमा कराओ। हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी दूसरी सरकार नहीं है। हम पूछते हैं कि 0% ब्याज पर कौन ऋण दे रहा है, तो सब कहते हैं शिवराज सिंह जी, कोई बोलता है मामा जी। फिर हम कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, 24 घंटे बिजली लाने वाला कौन सा मुख्यमंत्री हुआ अभी तक? शिवराज सिंह जी के पहले 13-14-15 मुख्यमंत्री हो गए होंगे, तो कौन सा मुख्यमंत्री है ऐसा जो जिसने 24 घंटे बिजली दी? तो बोले शिवराज सिंह जी चौहान। अब ये सब हो सकता था जब शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया था, तो कांग्रेस के लोग कहते थे अरे ये तो शेख चिल्ली का सपना दिखा रहा है, ये कोई होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। वो लोग तो यहां तक कहते थे कि चुनाव जुगाड़ से जीते जाते हैं, विकास करने की जरूरत नहीं है, मीडिया वालों को खूब कहा था उन्होंने। अब उनकी सोच में और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हम जनता की कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से, कठोर परिश्रम करके, सेवा और विकास करके आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वो जुगाड़ से वो आशीर्वाद लेने की कोशिश करते थे, यही कारण था कि देश की विकास की गति बहुत धीमे थी। और नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 2022 तक हर ऐसे व्यक्ति को जिसका मकान नहीं है मकान बना के दे। पहले इंदिरा आवास कुटीर आती थी, शुरू में तो 12-13 हजार देते थे, फिर 25,000, फिर 30,000, फिर 70,000। अब सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, उस समय 1, 2 या 3 इंदिरा आवास आई होगी और 50,000-70,000 देते थे। अभी शायद आपके यहाँ 1,75,000 तो देते हैं, पर 31 प्रधानमंत्री आवास योजना है। पहले कई 8-10 साल में नहीं आई होगी 10, अब एक बार में 31 दी, 70,000 के बजाय 1,50,000 रुपए दे रहे हैं। अब इधर राशि भी बढ़ाई और संख्या भी बढ़ाई, 135 का और मंजूरी हुई और उसका भी आप काम प्रारंभ करने वाले हैं। इतने तेज गति से ये सब काम, आपके यहाँ गैस कनेक्शन भी मिले क्या? कितने? 125। ऐसे घरों में जहां चूल्हा जलता था, धुआं निकलता था, घर में भी परेशानी और बहनों को भी परेशानी होती थी, निशुल्क बिना पैसे में गैस कनेक्शन। और सरपंच साहब बता रहे हैं 125 गैस कनेक्शन नायन में मिले हैं। अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में 10,000 गैस कनेक्शन देने का काम, 2022 तक हर घर में गैस कनेक्शन, हर व्यक्ति का घर पक्का, हर घर में शौचालय,
और किसानों की इनकम दुगनी, और दुगनी का जैसे ही वादा किया था तो कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है, ये सब्जबाग दिखा रहे हैं। पर आप और हम सब देख रहे हैं कांग्रेस की राज में 700-800 रुपए कुंटल गेहूं का भाव रहा होगा, आज 2000 रुपए कुंटल का भाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा घोषित हुआ है और अपने प्रदेश में इस भाव में गेहूं लिया जा रहा है। अब ये कथनी और करनी में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हमको एक बात की और खुशी है, जिस काम का हम भूमि पूजन करते हैं उस काम का लोकार्पण भी हम ही करते हैं। और नहीं तो पहले ऐसा होता था, भूमि पूजन करने वाला आज करके जाता था तो 10 साल में 5 तो मंत्री बदल जाते थे, विभाग चेंज होते रहते थे, और वो 11वां बनता था वो भी नहीं कर पाता था लोकार्पण। और एक बार सारे प्रदेश में अभियान चला था कालिक पोतने का ऐसे भाटे पर, तो युवा मोर्चे ने सारे प्रदेश में जहां 5 साल 10 साल 15 साल हो गए थे पत्थर लगाए थे काम नहीं हुए थे उस पर कालिक पोतने का काम किया था, एक भी जगह ऐसी नौबत नहीं आ रही है। इन 4 सालों में न मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ न केंद्र सरकार के खिलाफ एक पैसे की भी कोई शिकवा शिकायत और आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका किसी को नहीं मिल रहा है। और नहीं तो यूपीए सरकार में हर 6 महीने में बहुत बड़ा बड़ा घोटाला होता था, जमीन घोटाला तो खेल घोटाला तो कोयला घोटाला तो स्पेक्ट्रम घोटाला, तो ऐसे सब घोटाले ही घोटाले होते थे। इन 4 सालों में एक भी घोटाला नहीं। कांग्रेस वाले आश्चर्य से पूछते हमसे, बड़े बड़े सांसद और उसमें रहते हैं ना सांसद वगैरह, यार एक बात तो बताओ गहलोत जी, तुम्हारा ये मुख्यमंत्री और ये प्रधानमंत्री इतने विकास कार्य करते कहाँ से, पैसा कहाँ से लाते? बोले हमारे टाइम तो हम जाते थे तो मनमोहन सिंह जी कहते थे पैसा नहीं है, बजट में प्रावधान नहीं है। और बोले हम मध्य प्रदेश की सरकार के पास जाते थे तो बोले खजाने में लतापत्र है, कहाँ से लाएंगे पैसा? बोले आपकी सरकारें पैसे कहाँ से लाती है? तो हमको अटल जी ने बता रखा था, अब नरेंद्र मोदी जी भी बता रहे कि हम जो बेईमानी भ्रष्टाचार और काले धन की प्रवृत्ति के लोगों को नेस्त नाबूद करने का काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए बेईमानी और भ्रष्टाचार में जाते थे वो घोटाले में जाते थे, अब हम वो घोटाले नहीं कर रहे हैं और वो पैसा हम गांव गांव गली गली में विकास कार्य के लिए लगा रहे हैं। और सारे देश में अब जिधर जाओ मोदी मोदी मोदी, विदेश में जाओ तो मोदी मोदी मोदी। अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय भारतीय जनता पार्टी की या गठबंधन के साथ की 7 सरकारें थी, केवल 7 राज्यों में। उसके बाद में 15-16 राज्यों में चुनाव हो गए, 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनी। आज की तारीख में टोटल 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की सरकार है। और सर्वे एजेंसियां सर्वे करती है और कहती है कि कभी भी चुनाव हो जाए, चाहे 2019 में हो जाए या 2018 में हो जाए, नरेंद्र मोदी जी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी। इस कारण से विरोध पक्ष वाले और विशेषकर कांग्रेस वाले बेचैन है, विचलित है। बिचौलिए का काम उनका छीन लिया, बेईमानी भ्रष्टाचार करते थे वो, गड़बड़ करते थे वो, काम समाप्त हो गया। इस कारण से उनका रोजगार धंधा जो था ना वो खत्म हो गया। तो अब वो भड़काने की कोशिश कर रहे लोगों में, जनता में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। अब हम तो ये महसूस करते हैं कि देश की जनता में और किसानों में आक्रोश नहीं है, उन लोगों में आक्रोश है जो काला धन बेईमानी भ्रष्टाचार और बिचौलिया का काम करते थे, काम धंधे की बजाय कमाई करते थे, उनमें जरूर नाराजगी है, उनकी रोजगार धंधा चौटपट हो गया, इसलिए वो अब क्या कर रहे हैं, अलगाववाद।
क्षेत्रवाद, भाषावाद, अनुसूचित जाति के लोगों को सवर्णों से लड़ाना भिड़ाना और अल्पसंख्यकों को हिंदू धर्म वालों से लड़ाना, इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र करके जैसे तैसे इस देश में अराजकता का वातावरण बनाना चाहते हैं। हमको इस बात से सचेत रहने की आवश्यकता है। हम अगर सचेत रहे तो न तो देश में अराजकता का वातावरण आएगा और न कोई गड़बड़ी होगी। इस देश में अमन चैन का वातावरण बनाने का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारी सोच है वसुधैव कुटुंबकम की, सारा विश्व एक परिवार है और हम उसके सदस्य हैं। एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की तकलीफों को दूर करें, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर के भारत सरकार और राज्य की सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार 200 जन कल्याणकारी योजना चला रही, भारत की सरकार 106 जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही। और जैसा बताया कि जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु के कई साल बाद तक उन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। विकास की बातें दिलीप शेखावत जी ने बताई है, जिस प्रकार का विकास इस क्षेत्र में हो रहा है, सारे देश के सब विधानसभा क्षेत्र में और संसदीय क्षेत्रों में इसी प्रकार का विकास हो रहा है और हम विकास में विश्वास करते हैं, जो कहा वो करने में विश्वास करते हैं, आपके सच्चे सेवक के रूप में काम करने में विश्वास करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार विकास को समर्पित सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है, गरीबों के हित की सरकार है, और वैसा ही वो करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमेशा की तरह मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं, तत्पर थे, आगे भी तत्पर रहेंगे और इन सब क्षेत्रों को आदर्श क्षेत्र बनाने का प्रयास करेंगे और उसमें हमको सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।